बिलासपुर पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है, जिसमें प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी और उसे स्वाभाविक मृत्यु बताकर अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रही थी। मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ने बताया कि 1 सितंबर को तिफरा कोरिया पारा निवासी बलराम ठाकुर की संदिग्ध मौत की सूचना पुलिस को मिली। मृतक की पत्नी सावित्री ठाकुर इसे स्वाभाविक मौत बताकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही थी। पुलिस ने आसपास के लोगों से इस बारे में जानकारी निकाली तो कुछ लोगों ने बलराम सिंह की मौत पर संदेह जताया। इसके बाद शव का परीक्षण किया गया तो गले में चोट के निशान मिले। इस पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई है, जिसके बाद पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पता चला कि आरोपी सावित्री ठाकुर बलराम सिंह की दूसरी पत्नी है। बलराम ने 20 साल पहले उससे शादी की थी। दोनों की उम्र में करीब 30 साल का अंतर है। कुछ सालों पहले से बलराम बीमार चल रहा था, वह बिस्तर में ही पड़ा था। इसका फायदा उठाकर पत्नी व उसके प्रेमी ने बीमारी से मौत दिखाने की कोशिश करते हुए रस्सी से गला घोंटकर बलराम की हत्या कर दी। बिलासपुर से श्याम पाठक की रिपोर्ट। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक वृद्ध के मर्ग की सूचना प्राप्त हुई थी कल सुबह 8 बजे, जिसमें मृतक के पंचनामा के दौरान जो है पुलिस को ये संदेह हुआ कि इसके साथ अपराध हो सकता है। इस पर से पुलिस ने जो है तत्काल पंचनामा करके पीएम के लिए भेजा और डॉक्टर से पंचनामा के बाद पीएम जो हुआ उसमें पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने भी बताया फिर कि उसके साथ गला दबाकर किसी रस्सी से और उसकी हत्या की गई है। स्ट्रेंगुलेशन का केस है, जिस पर सिरगिट्टी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मृतक के परिवारजनों से पूछताछ शुरू किया, जिसमें घटना में उनकी पत्नी और उनके एक ड्राइवर की संलिप्तता पाई, जिससे उन दोनों का गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय पेश किया जाएगा।